दोस्तों कैसे हैं आप सब। बमुश्किल मैंने वक्त निकाल कर अपने गांव आया और यहां का स्प्रिंग सीज़न एंजॉय करने को दिल ने चाहा तो मैंने यहां की हामी भर ली और आया। यहां पर खुर्शीद ने मुख्तलिफ फलों के पौधे लगाए हुए हैं और एक छोटा सा उन्होंने बाग लगाए हुए है, तो जो आप लोग देख रहे हैं ये खूबसूरत खूबसूरत पौधे हैं, इंशाल्लाह ताला ये बड़े हो जाएंगे। मेरे राय के मुताबिक कोडमंग की खूबसूरती का कोई मोल नहीं है। यहाँ पर बहुत किस्म के सब्जियाँ हो जाती है, यहाँ पर मुख्तलिफ फलों का दरख्त लग सकती है जैसे लवकाट, अमलूक, इंजीर, माल्टा और इसके साथ साथ निष्पाती, टांगू, खुबानी वगैरह ये हो सकते हैं। यहाँ ये बहुत जरखीज़ मिट्टी है और मैंने चाहा कि ये खूबसूरती जो है कैमरे के आंख से आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि हमारे गांव से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बाहर मुल्कों में हैं, उनका दिल भी चाह रहा होगा कि हम अपना इलाका को देखें और अपने गांव को देखें, मगर किसी मजबूरी के बिना वो नहीं देख सकते क्योंकि यहां से दूर है। तो मैंने चाहा कि ये आप लोगों को कैमरे के आंख से दिखाऊँ। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरती छा गई है, कुदरत ने यहाँ पर मुख्तलिफ नियामतों से हमें नवाजा है और यहाँ पर आठ हम जो है मौसम इंजॉय करते हैं, जैसे असूबा, दुरुका, तक वगैरह हैं। इस तरह के चार सीज़न हम इंजॉय करते हैं, स्प्रिंग, अटमन और दो और जो है मेरे अब जहन में याद नहीं आ रहा, मगर हम वो इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि सारे फलों के दरख्त आप लोगों को नज़र आएंगे और इसके साथ साथ खेतों में भी गंदम का फसल जो है वो आप देख सकते हैं। मैं अगर ये दावा करूं तो शायद मैं हक बजानिब होऊंगा कि यहाँ पर इस मौसम में जानवर से लेकर इंसान तक सब जीरूह खुश होते हैं और अपने ज़िंदगियों को बेतहाशा खूबसूरती से इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यह स्प्रिंग सीज़न वैसे भी दिलों को आबाद करती है और जब पहाड़ी इलाके में हो तो फिर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये आप कुछ मनाजिर देख सकते हैं जो कि मैंने अपना एक छोटा सा काविश लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये वीडियो मैंने शूट की हुई है और बे इंतहा मैंने कोशिश की कि मैं खूबसूरती आप लोगों को दिखाऊं। शायद मैं अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत तो कामयाब हो चुका होऊंगा, मगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ के जो खूबसूरती है तो वो अप्रैल से और बुलंदियों पर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर मैं यहाँ रहूँ तो मैं उस में भी आप लोगों को वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।